नमस्कार, राधे राधे सभी छात्रों को। और एक बार फिर एमडी केरी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में संविधान के अंतर्गत पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम था संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया, शायद जो क्लास रेगुलर छात्र ले रहा होगा उसे याद भी होगा। और इस टॉपिक के या चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ एक्ट पढ़े थे। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं कि इसमें हम लोगों ने कौन कौन से एक्टों का अध्ययन किया था, वहीं से हम लोग आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां आपको जिक्र किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, नंबर एक। ये हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके माध्यम से कई सारी व्यवस्थाएं की गई थी कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी विभिन्न प्रकार की, जैसे निजी व्यापार नहीं कर सकता है, भेंट उपहार इत्यादि नहीं ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट की भारत में स्थापना की गई, जो कभी बंगाल के गवर्नर होते थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और उसके साथ हम लोगों ने इसकी समीक्षा के लिए, फिर मैंने सेकंड हमने डिस्कस किया था 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके बाद तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये थोड़ा इंपोर्टेंट भी था, मैंने आपको बताया भी था कि यहां से काफी बार सवाल आए हुए हैं, पहले वाले एक्ट से आए हुए हैं और ये तीसरे वाले से। क्या विशेषता थी इसकी, एक बार अगर हम रिकॉल करें तो इसकी विशेषता थी कि भारत के अंदर इस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया गया था। यानी कि एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक हम लोगों ने बात करी कोर्ट ऑफ कंट्रोल, ये दो संस्थाएं बनाई गई थी, इनमें एक बिजनेस यानी कि व्यापार संबंधी मामले देखेगी और दूसरी जो थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया था राजनीतिक मामले जो कंपनी के थे वो देखेगी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उसके नाम से इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा संसद में इसे पे प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1793 1793 का एक्ट, और इस एक्ट की मैंने तीन बातें बताई थी। एक तो भारत में जो कंपनी का कर्मचारी था उसे भारत के राजस्व से ही वेतन देना शुरू किया गया था। एक लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को स्वीकृति दे दी गई। और तीसरा पॉइंट जो था हम लोगों ने पढ़ा था कि इसी के द्वारा कंपनी के व्यापार के अधिकार को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। इतनी सी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ी थी। इसी में हम लोग कंटिन्यू करें कि आगे इसके अंदर, तो आगे देखेंगे कि नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो आपका इंपोर्टेंट भी है थोड़ा सा, 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहां से जो एक्ट आएंगे वो धीरे धीरे भारत के अंदर राजनीति की ओर रुख करेगी कंपनी, तो इसलिए वहां हम लोग देखेंगे कि 1813 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो 1793 की एक्ट में 20 साल की अधिकार पत्र की समय सीमा को बढ़ाया गया था, तो वो 20 साल कंप्लीट हो गई। इसका मतलब है कि कंपनी के व्यापार करने का अधिकार जो था वो कंप्लीट हो गया। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट में सबसे पहली जो बात की गई होगी वो सबसे पहली बात यही होगी कि कंपनी के जो अधिकार पत्र था उस अधिकार पत्र की जो समय सीमा थी उसे कितना और बढ़ाया गया। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग कि इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार पत्र था, इस अधिकार पत्र को ब्रिटिश संसद के द्वारा 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। पहला पॉइंट, यानी फिर से 20 साल और कंपनी अभी भारत में व्यापार करेगी, लेकिन इसी एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ नियंत्रण कसना ब्रिटिश संसद के द्वारा शुरू कर दिया गया। वो नियंत्रण क्या थे कि जो कंपनी थी, इस कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, इस व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया। अब एक शब्द आया यहां पे कि व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है,
अभी तक ब्रिटेन के अंदर क्या था कि कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति अगर भारत में व्यापार करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही करेगा, ऐसा वहां रूल्स था। लेकिन अब धीरे धीरे जब कंपनी की संप्रभुता बढ़ती जा रही थी तो ब्रिटिश संसद ने इस कंपनी पर अपना नियंत्रण करने के लिए इसका ये अधिकार समाप्त कर दिया कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार नहीं करेगी। तो यहां कहा जाता है कि ब्रिटिश के द्वारा जो अपने ब्रिटिश नागरिक थे, इस ब्रिटिश व्यक्तियों को कुछ प्रतिबंधों के या कुछ शर्तों के आधार पर भारत के साथ मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। यानी अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू न जाकर के वो स्वयं भी कुछ शर्तों के अधीन भारत के साथ मुक्त व्यापार कर सकता है, निकल के आता है यहां से। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, मैंने कहा यहां कि व्यापारिक अधिकारों को सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे छात्रों सीमित किया गया था, लेकिन समाप्त नहीं किया गया, सीमित किया गया था। इसका मतलब है कुछ अधिकार ऐसे थे जो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हैं। तो अगर देखा जाए कौन से अधिकार, तो आप कहेंगे एक तो चाय का व्यापार जो था, और एक था आपका चीन के साथ। अभी ये दो अधिकार जो थे वो अभी भी किसके पास बने हुए हैं, तो आप कहेंगे चीन के पास। देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, कि चाय और के व्यापार को छोड़कर के कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए। और बदलाव क्या हुआ यहां से, कि जो ब्रिटिश व्यक्ति थे अब वो मुक्त व्यापार के तहत भारत के साथ अपना व्यापार कर सकते हैं। ये दो पॉइंट निकल के आते हैं 1813 के एक्ट के। तीसरा पॉइंट, ये एक्ट जो था, इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम जो ईसाई मिशनरियां होती हैं, ईसाई मिशनरी, जैसे अपन बात करें अलग अलग धर्मों के अंदर, हिंदू धर्म में ट्रस्ट होते हैं, वैसे ईसाई धर्म के अंदर मिशनरियां होती हैं। ये क्या है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार उन्नति करने का काम करती हैं। तो कहा जाता है कि इस एक्ट के माध्यम से सबसे पहले इन ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का क्या दे दिया, अधिकार। क्यों, वाय, रीजन क्या था, ऐसा टर्न क्यों लिया अंग्रेजों ने, ऐसा टर्न क्यों लिया ब्रिटिश संसद ने, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कल की क्लास में पिछली क्लास में ये बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी उसका उद्देश्य व्यापार से हटकर के राजनीति में हो गया। अब राजनीति में जाना है, अगर पॉलिटिक्स करनी है तो फिर जनता के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, और जनता के साथ जुड़ना है तो उनकी, हम लोग कह सकते हैं लैंग्वेज, उनका धर्म वगैरह, इन सब चीजों से। तो इसलिए पॉलिटिक्स, क्योंकि राजनीति में ये कंपनी धीरे धीरे पार्टिसिपेट हो रही है, तो फिर वहां सबसे ज्यादा काम किया गया कि किसी भी प्रकार से अधिकांश भारतीय लोगों को ईसाई धर्म अपनाने का कोशिश की जाए इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ऐसा किया गया। इसलिए ईसाई मिशनरियों को छूट दे दी कि अब आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कहां करेंगे, भारत में। इसका मतलब है, एक पॉइंट बन जाता है कि भारत के अंदर जो ईसाई मिशनरियां थी उन्हें अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार सर्वप्रथम कब मिला, तो आप कहेंगे 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इससे पहले भारत में इनको ये अधिकार प्राप्त नहीं था। क्यों नहीं था, उसके दो रीजन थे। तो अभी इससे पहले कंपनी व्यापार के लिए आई थी, बट अब धीरे धीरे मैंने पढ़ाया था प्लासी का युद्ध एवं बक्सर का युद्ध, जो कि एक निर्णायक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, उसके बाद राजनीति में ये पार्टिसिपेट हो रही है। एक और बड़ी बात जो काफी बार आपने एग्जाम में देखी होगी और पूछी भी जाती है, वो क्या है कि सर्वप्रथम, मैं यहां सर्वप्रथम शब्द लिख रहा हूं, इसका मतलब कोई ना कोई मोस्ट पॉइंट होगा जो आपको ध्यान से सुनना भी है और लिखने वाले नोट भी करेंगे। देखो लिखेंगे तो ज्यादा याद होगा, सिर्फ पढ़ेंगे स्क्रीन देखेंगे तो स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें दिखती हैं, तो रोक नहीं सकते हैं, बिना नेट के क्लास भी नहीं लिख सकते, तो नोटिफिकेशन आ गया, क्लिक कर दिया, इसलिए लिखने की आदत जरूर डालें। जितना लिखेंगे आपको उतना याद होगा, इसी की गारंटी मैं ले रहा हूं। देखो सर्वप्रथम क्या,
सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश संसद के द्वारा कहा गया कि जो हमारी भारतीय शिक्षा है, इसमें बहुत बड़ी बात निकल के आई कि अंग्रेजों ने पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए कोई कार्य करने का कदम उठाया था। पहली बार इस एक्ट में कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, प्रतिवर्ष क्या, प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करेंगे। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, जो बजट आता है, बजट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग पैसा दिया जाता है, वही काम यहां हुआ कि उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा पर। अभी आगे पढ़ेंगे, एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो भारतीय शिक्षा के बारे में क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, नेक्स्ट एक्ट में देखेंगे हम लोग। तो प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करना है, किस पर खर्च करना है, भारतीय शिक्षा पर। इतनी सी बात है, याद रखेंगे 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। देखो मैं एक बार रिवाइज कराता हूं, क्या पढ़ा हमने, ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास का मैंने थोड़ा सा रिकॉल करवाया था। इसके बाद देखो इंपोर्टेंट क्या है, सबसे पहले कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी भारत में, उसके अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी कि अभी 20 वर्ष और कंपनी क्या करेगी, व्यापार। दूसरी बात, कंपनी के व्यापार के एकाधिकारों का सीमित कर दिया गया, यानी कि कंपनी के पास चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके सारे व्यापार ब्रिटिश व्यक्तियों के लिए ओपन कर दिए गए, वो भी मुक्त व्यापार के क्षेत्र के तहत, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमने बात करी कि इसी एक्ट के द्वारा सबसे पहले ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसी एक्ट के द्वारा सबसे पहले भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया गया। इतनी सी बात याद रखेंगे अपन 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब 1813 के बाद देखो, कुछ साल तक ये एक्ट चलेगा, अपने धरातल पर जो भी बातें थी वो लागू होंगी। उसके बाद फिर रिकॉल किया गया ब्रिटिश संसद के अंदर, और कुछ समय बाद 1833 में 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और इस एक्ट के माध्यम से काफी सारे ऐसे बदलाव किए गए, कह सकते हैं धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे व्यापारिक संस्था से एक राजनीतिक संस्था बनाने की ओर अग्रसर हो जाती है ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार। कैसे होती है, जो ये एक्ट था, इस एक्ट के माध्यम से अगर हम लोग बात करें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए। मैंने भी एक बात बोली थी, वही यहां से निकल के आएगी, समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। कहने का मतलब है इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक व्यापारिक संस्था थी उसे व्यापारिक संस्था से कन्वर्ट करके कह सकती है एक राजनीतिक क्या बना दिया संस्था। सवाल यहां से आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के द्वारा व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था में कन्वर्ट किया गया, या ऐसे पूछ सकता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी मूल उद्देश्य व्यापार लेके आई थी उसने अपने मूल उद्देश्य को कब छोड़ दिया, तो वो भी हम कह सकते हैं 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा बदलाव क्या था, हमने पढ़ा था कि अभी तक कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल इस बंगाल के गवर्नर जनरल पदनाम को समाप्त कर दिया। अब ये सिर्फ बंगाल का नहीं रह करके इसे संपूर्ण भारत, यानी कि इसे नाम दे दिया भारत का गवर्नर जनरल। तो सवाल यहां से बनेगा अपने एग्जाम में कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। आंसर होगा 1833। जैसे ही ये बना तो फिर सवाल आ जाता है कि फिर बताओ फर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल कौन। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था
लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। ये वही विलियम बेंटिक थे जिनके समय पर भारत के अंदर सती प्रथा जैसी कुरीतियों को बंद किया गया था, ऐसा कह सकते हैं। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, इतिहास पढ़ेंगे तो वहां उसका जिक्र करेंगे, ध्यान रखना है। इसका मतलब है भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना होगा, ध्यान रखना, वह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी होगा। मैंने पिछली क्लास में ये बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, इसलिए मैं यहां कम समय लेकर के आगे की बातें कर रहा हूं। तो ध्यान रखना है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल, और यहां पहला गवर्नर जनरल जो था वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट बात देखो, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसकी आयता के लिए एक परिषद हुआ करती थी, और इस परिषद में पहले तीन सदस्य थे, अभी एक सदस्य और ऐड कर दिया गया। यहां से सवाल बनता है, एक सदस्य जो ऐड किया गया, इसका मतलब है सदस्यों की संख्या इस एक्ट के माध्यम से तीन से कितनी कर दी गई, तो आप कहेंगे चार। सवाल आएगा कि ये एक सदस्य जो जोड़ा गया था वो कौन था, तो ध्यान रखेंगे ये सदस्य जो जोड़ा गया था वो था विधि सदस्य। विधि सदस्य के रूप में एक सदस्य और जोड़ दिया गया, और सवाल बन जाता है कि इसी एक्ट के माध्यम से एक लॉर्ड मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले था, इस लॉर्ड मैकाले को भारत का प्रथम विधि अधिकारी बनाया गया। सवाल यहां से बनेगा कि भारत का पहला विधि अधिकारी किसे बनाया गया, तो आप कहेंगे लॉर्ड मैकाले। ये मैकाले वही था जो कहता है कि भारतीय साहित्य जो है वो लंदन की, कह सकते हैं, पुस्तकालय में कचड़े में पड़ी हुई किताबों के बराबर इसने तुलना की थी। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैकाले भारत के अंदर जब आया तो इसने भारत में पाश्चात्य जो कह सकते हैं शिक्षा थी, प्राच्य शिक्षा जो थी, अंग्रेजी शिक्षा जो थी, उसे भारत में बढ़ाने का प्रयास किया था। तो ये पहला विधि अधिकारी बन के आया था। यही सवाल बनता है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में एक मैकाले या फिर मैकाले समिति बाद में देख करके, यहां हम लोग बात करें पहले कि एक विधि आयोग का क्या कर दिया गया, गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो पूछ लेता है कि भारत में पहला विधि आयोग कब गठित किया गया, 1835 में, या इस विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, लॉर्ड मैकाले। और क्या सवाल याद रखना है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसे बनाया गया था, तो आप कहेंगे भारत का प्रथम विधि अधिकारी लॉर्ड मैकाले को ही बनाया गया था। इतनी सी बात है, इस स्लाइड से याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें तीन की जगह पर चार सदस्य कर दिए गए, एक सदस्य जो जोड़ा गया था, ऐड किया गया था, वो ऐड करने वाला सदस्य कौन था, आप कहेंगे विधि सदस्य। विधि सदस्य किसे बनाया गया था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले भारत के कौन से सदस्य बने थे, पहले विधि अधिकारी बने, इनकी अध्यक्षता में 1835 में कौन सा आयोग बनाया गया, तो आप कहेंगे विधि आयोग का गठन किया गया। अब नेक्स्ट देखें यहां से, इसके बाद इसी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता की बात करें, जो लॉर्ड मैकाले था, इसी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसी समय पर एक मैकाले समिति का गठन किया गया था। अब सवाल क्या पूछेगा आपसे, देखो, और सवाल आता है यहां से, मैं अगर कह रहा हूं कि सवाल आता है, इसका मतलब सवाल आया हुआ है, ये माइंड में बिठाएं। आपसे पूछेगा मैकाले समिति का संबंध किससे है, ऑप्शन देगा शिक्षा से, ऑप्शन देगा सिविल सेवा से, ऑप्शन देगा साहित्य से, ऑप्शन देगा कानून या विधि से। और अभी हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में कि मैकाले जो था वो एक विधि सदस्य था, लेकिन मैकाले समिति का जो संबंध था वो था हमारे भारत में सिविल सेवा, किससे था, सिविल सेवा सुधार। सिविल सेवा किसे कहते हैं,
जो सिविल सर्विस है, आज हम लोग जैसे यूपीएससी के माध्यम से आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, वो पहले सिविल सेवक ही हुआ करते थे, आईसीएस परीक्षा होती थी, लेकिन इस मेघालय समिति के बेस पर ही इसी एक्ट के माध्यम से कहा गया कि सर्वप्रथम, फिर ध्यान रखना है यहां पे, सर्वप्रथम जो सिविल सेवा थी, इस सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता कराई गई। अच्छा, खुली प्रतियोगिता का मतलब क्या है? खुली प्रतियोगिता का मतलब है कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो भारत का हो चाहे ब्रिटेन का। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए सिविल सेवा की परीक्षा को खोल दिया, कलेक्टर बनना यहां से स्टार्ट हो गया, आईसीएस परीक्षा को पास करना यहां से। कलेक्टर शब्द अंग्रेजों ने दिया था, लॉर्ड मैक कार्नवालिस पढ़ते हैं आप लोग कलेक्टर का मतलब होता है कि हम लोग कहते हैं आज डीएम वगैरह, पहले कलेक्टर का मतलब होता था कि अंग्रेज लोग जो थे वो टैक्स वगैरह लगाते थे, और टैक्स लगाते थे तो अलग अलग जगहों पर, अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे उसे एकत्रित करेगी, तो उन्होंने, अब हिंदी जानते नहीं थे इसलिए हिंदी में कलेक्टर का मतलब होता है एकत्र करना, तो जो टैक्स को एकत्र करने वाले लोग होते थे उन्हें कलेक्ट प्लस कलेक्ट करने वाले को कलेक्टर कहा गया। वो आज हम लोग देखते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहीं कहीं पर डीएम कहते हैं, कहीं कहीं पर अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जब वो न्यायिक और वैसे कार्य करता है तो उसका डिवाइडेशन, जब हम लोग ग्राम कैसे पंचायती राज प्रणाली पढ़ेंगे, जिला पंचायत पढ़ेंगे, जिला शासन पढ़ेंगे, तो वहां डिस्कस करेंगे। अब खुली प्रतियोगिता, लेकिन एक चीज यहां पर अपन को याद रखनी है, क्या याद रखनी है, अभी इस प्रतियोगिता का मेरे प्यारे छात्रों जो आयोजन किया जाएगा वो आयोजन ब्रिटेन में होगा। इसका मतलब क्या है, अभी कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर सिविल सेवा की परीक्षा देना चाहता है तो उसे परीक्षा देने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? ब्रिटेन। इसका मतलब अभी इतनी ज्यादा अपने लिए जो सिविल सेवा थी वो ओपन नहीं की थी, क्योंकि इसका आयोजन कहां हो रहा है? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन हर कोई नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें सिर्फ सिविल सेवा, अभी ये संकेत है कि भारतीय लोग इसमें पार्टिसिपेट, लेकिन अभी कोई भारतीय व्यक्ति इसमें चयनित नहीं हुआ, तो ये मेघालय समिति ध्यान रखना है यहां से। इसके बाद देखो, ये तो बात करी हम लोगों ने 1833 के एक्ट की, एक और बात ध्यान रखनी है मोस्टली कि जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो भारत का क्या बना था, गवर्नर जनरल, इसे संपूर्ण भारत के लिए, जो संपूर्ण भारत है, ये संपूर्ण भारत के लिए विधि या कानून बनाने का क्या दे दिया, अधिकार। इसमें कहा गया कि यह व्यक्ति संपूर्ण भारत के लिए विधि या कानून बना सकता है, अभी तक नहीं था क्योंकि अभी ये बंगाल का ही गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो इसी एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा मोस्टली क्या याद रखना है कि कंपनी जो थी उसके समस्त व्यापार के एकाधिकार समाप्त, कंपनी व्यापार के संस्था से क्या बन गई, राजनीतिक संस्था। और क्या कहेंगे, इसी एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद समाप्त कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना। किसको बनाया गया था, तो हम कहेंगे विलियम बेंटिंक को। फिर हमने बात की इसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके सदस्यों को तीन की जगह चार कर दिया, एक सदस्य किसे जोड़ा गया, तो आप कहेंगे एक सदस्य विधि सदस्य बनाया गया। किसे बनाया गया, लॉर्ड मेघालय, इसलिए कहा जाता है कि लॉर्ड मेघालय प्रथम विधि अधिकारी बने। इनकी अध्यक्षता में 1835 में विधि आयोग का गठन, लॉर्ड मेघालय की अध्यक्षता में एक मेघालय समिति बनाएगी जिसका संबंध था, वो हमने क्या पढ़ा, इसका संबंध था कि खुली जो सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा थी उनके संबंध में, इसलिए इसमें हमने देखा कि पहली बार खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया, लेकिन आयोजन अभी भी कहां हो रहा है, ब्रिटेन में। फिर भारत की जो गवर्नर जनरल था, इस भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत में, यानी पूरा संपूर्ण जो भारत है उस पर विधि और कानून बनाने का क्या दे दिया, अधिकार। मैं समझता हूं कि इतनी सी बातें क्लियर हुई हो, तो आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में यस करके भेजें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। तो इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट एक्ट जो आता है वो आपका 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट। और अब शुरुआत की स्लाइड याद करो, पहली पहली है ना, तो शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट हैं वो 1773 में स्टार्ट होते हैं और 1853 में जाके क्या होंगे, समाप्त। तो हम कह सकते हैं कि 1853 का जो एक्ट था ये अंतिम रेगुलेटिंग एक्ट है, यानी कि ये कंपनी के लिए बनाया गया अंतिम रेगुलेटिंग एक्ट था, ऐसा हम कह सकते हैं।
क्योंकि इसी के बाद भारत में होगी 1857 की क्रांति, और क्रांति फिर एक निर्णायक रूप लेगी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त और सीधा ब्रिटेन जो साम्राज्य क्राउन जिसको बोलते हैं उसका भारत पर क्या हो जाएगा, अधिकार। इसलिए इस एक्ट के बाद में जो चीज पढ़ेंगे वो कंपनी के लिए ना आकर के सीधा भारत को शासित करने के लिए बनेगी। इसलिए मैंने बताया था उन सबको कहेंगे भारत शासन अधिनियम। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि ये सब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आ रही है, कंपनी को नियंत्रित संचालित करने के लिए ये सारे कानून बनाए जा रहे हैं। इसलिए इसकी विशेषता देखें क्या थी। इसकी विशेषता अगर हम बात करें 53 के रेगुलेटिंग एक्ट की, पहली विशेषता तो यही थी कि जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो सिविल सेवा थी, इस सिविल सेवा की जो खुली प्रतियोगिता, इसकी जो खुली प्रतियोगिता थी, इस खुली प्रतियोगिता का आयोजन जो था वो आयोजन भारत में किया गया। यानी पहली बार सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा भारत में कराई गई, किस एक्ट के द्वारा, 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और देखें यहां पे जैसे ही इसकी प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ, अब पता है भारतीय व्यक्ति थ्रूथी टैलेंट है, इसका मतलब है जैसे ही भारत में आयोजन हुआ तो कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो इस परीक्षा को क्या करेगा, क्रैक करेगा, पास करेगा। सवाल आ जाता है कि इस परीक्षा को फिर पास किसने किया, तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर अगर प्रथम आईसीएस परीक्षा पास करने वाला भारतीय, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से जल्दी कि पहला आईसीएस परीक्षा पास करने वाला कौन भारतीय था जिसने जैसे ही भारत में इस आईसीएस परीक्षा का आयोजन हुआ उसके साथ पास कर लिया, तो उस शख्सियत का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था इसका, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे ये आईसीएस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय बने। इसको भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहां से सवाल काफी बार आया हुआ है। दो चीज आती है, एक का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर है और एक का नाम सत्येंद्रनाथ बनर्जी है। तो आगे बनर्जी भी पढ़ेंगे, वो भी भारत का पहला ही व्यक्ति बनेगा। क्या बनेगा, कौन बनेगा, वो आगे के एक्ट में बात करेंगे। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि जैसे ही आपसे पूछे कि आईसीएस परीक्षा सवाल दो बनेंगे, वो कैसे घुमाएगा एग्जाम में कि सर्वप्रथम भारतीयों के लिए आईसीएस परीक्षा आयोजित की गई, तो 1833 के एक्ट के द्वारा। लेकिन सबसे पहले भारतीयों के लिए भारत में आईसीएस परीक्षा की शुरुआत की गई 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो इसमें एक तो ये अंतिम रेगुलेटिंग एक्ट है, एक इसमें सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का शुरुआत भारत में कर दी गई, और जैसी की गई तो पहला आईसीएस परीक्षा पास करने वाला भारतीय जो था वो भारतीय कौन बना, तो आप कहेंगे कि पहला आईसीएस परीक्षा को पास करने वाला भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर बने। और इसमें क्या किया गया, देखो इसके अंदर एक और पॉइंट देखें कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, और यह केंद्रीय विधान परिषद जो थी, इस केंद्रीय विधान परिषद के अंदर 12 क्या रखे गए सदस्य, जिसमें इन 12 सदस्यों का क्या रोडमैप था वो ध्यान रखेंगे। 6 सदस्य जो थे वो एक साइड में थे और 6 रख लेते एक साइड में, इधर वाले जो 6 थे उनमें कौन कौन था, तो आपने पहले रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था 1773 में कि एक अपने भारत में सुप्रीम कोर्ट की क्या हो गई थी स्थापना, इसलिए एक तो था सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश, बातें रिकॉल हो रही हैं माइंड में तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, और अगर बातें रिकॉल नहीं हो रही हैं इसका मतलब आपको पढ़ने की जरूरत है, और अगर धुंधली धुंधली सी हो रही है तो इसका मतलब है आपको रिवीजन की जरूरत है। 3 स्टेप ध्यान रखो हमेशा,
अगर पिछली क्लास रिपीट, अगर जैसे कोई शब्द आया हाँ ये तो पिछली क्लास पढ़ा, तो आप पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, और अगर धुंधला धुंधला चित्र बन रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम उससे जुड़े हुए हैं, रिविजन करना है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कभी बचपन में मम्मी के साथ मामा के गई तो एक मामा देखा था जो फिर चला गया कहीं और, अचानक से 10 साल बाद वो मिलता है, तो हमारा क्या होता है कि हम माइंड को देखते हैं, यार ये व्यक्ति हमें देखा हुआ सा लग रहा है, क्या कहते हैं, ये व्यक्ति हमारा देखा हुआ सा लग रहा है, लेकिन वो क्या नहीं हो रहा है, रिकॉल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब वो देखा था लेकिन उसके बाद हमने उसे रिवाइज नहीं किया, यानी उसे फिर दोबारा कभी नहीं देखा। अब सेकंड मुलाकात हो रही है, इसका मतलब उसका चित्र बना हुआ है पिछले वाले माइंड में, नाना पाटेकर का देखा है छोटे माइंड में, तो वहां बना हुआ है अचेतन मन में जो बात बनी हुई है, अगर वो जिस दिन लिंक हो जाएगी उस दिन वो आगे आ जाती है, चेतन में आ जाएगी अपने में। इसका मतलब है अगर धुंधला चित्र बन रहा है तो याद तो है लेकिन वो बात याद, इसलिए तो कहा जाता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और पेपर में गए और आपने अगर कोई बात पढ़ी होगी तो वो सवाल देखते ही याद आएगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, और अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो नहीं याद आएगी। इसलिए मैंने जैसे ही कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो दो चीज याद आनी चाहिए माइंड में, अच्छा पहला और आज का, ये भी तो पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो फिर आपके मन माइंड में आनी आज कौन है, तो हम लोग कहेंगे डीवाई चंद्रचूड़, अच्छा डीवाई चंद्रचूड़ पहले कौन थे, तो आपके माइंड में आनी सर एलिया एम पे, कब बना था ये, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बेस पर 1774 में, कहां बना, कलकत्ता में, लेकिन आज कहां पर है, दिल्ली में। इतनी सी बातें अगर रिकॉल हो रही है तो फिर आप सही पथ पर चल रहे हैं, नहीं हो रही तो आपको पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद जो यही कलकत्ता उच्च न्यायालय जो था, इस कलकत्ता जो न्यायालय जो था आपका, इस न्यायालय का एक अन्य न्यायाधीश भी शामिल कर लो इसमें, भाई एक तो मुख्य न्यायाधीश हो ही गए, एक आपने कर लिया अन्य न्यायाधीश, कितने हुए, दो बचे, कितने, चार। अब जो शेष चार बचे हुए हैं, ये चार कहां से आएंगे, देखो एक तो आएगा बंगाल प्रेसिडेंसी प्रांत से, एक आएगा मद्रास प्रांत से, एक आएगा बॉम्बे प्रांत से, और एक आएगा उस समय आगरा प्रांत से। इन चारों प्रांतों से एक एक व्यक्ति जो है वो इसमें आएगा। इस प्रकार से छह व्यक्ति जो थे, तो हम कह सकते हैं पहली बार कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को इसमें बैठने का अधिकार भी मिल रहा है, अभी तक भारतीयों को शामिल नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे यहां से कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को परिषद में शामिल करने का। ये छह व्यक्ति जो थे उसमें एक तो हमारे भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसके साथ साथ में एक ब्रिटिश क्राउन का सदस्य हुआ करता था, और चार इसके अंदर अन्य सदस्य आया करते थे। इस प्रकार से ये छह जो थे वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होते थे। इस तरीके से ये केंद्रीय विधान परिषद की रूपरेखा बन के आई 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन ये बातें हम लोगों ने जो पढ़ी अभी तक की सारी बातें, वो सारी बातें पिछली क्लास में और आज में हमने सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े, चाहे वो 1813 में, अब एग्जाम की दृष्टि से मैं साथ साथ बता रहा हूं, फिर भी देखो इसकी दृष्टि से हमारे लिए इंपोर्टेंट है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को सीमित किया गया, आप कहेंगे 1813 में। फिर अगला सवाल क्या बनेगा यहां से, अगला मैंने कहा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार कब दिया गया, 1813 के एक्ट में। फिर सबसे पहले अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा पर 1,00,000 रुपए या भारतीय शिक्षा पर पैसे खर्च करने का प्रावधान, 1813 के एक्ट में। फिर आपसे क्या पूछेगा, कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त, 1833 के एक्ट में। फिर क्या पूछ लेगा, कंपनी व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था बनेगी, 1833 के एक्ट में। फिर पूछेगा बंगाल के गवर्नर जनरल पद का समापन कब किया गया, 1833 में। नया क्या बना, भारत का गवर्नर जनरल, तो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनेंगे। फिर यहां पे हम लोगों ने बात करी और क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद जो थी उसमें 3 सदस्यों की जगह पर कितने कर दिए गए, 4। चौथा ऐड किसे किया गया, आप कहेंगे विधि सदस्य को, कौन था, लॉर्ड मेकाले, भारत का प्रथम विधि अधिकारी। इसकी अध्यक्षता में क्या बनाया गया, विधि आयोग कब बनाया गया, 1835 में। और देख लो यहां पर इसी में कहा लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में मेकाले समिति बनेगी, इसका संबंध सिविल सेवा सुधार से, और इसी एक्ट के माध्यम से सबसे पहले सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया, लेकिन यह चीज अपनी थोड़ी सी ध्यान रखनी है, आयोजन जो हुआ था वो ब्रिटेन में किया गया था। इसी में एक चीज और मैं अगर यहां पर आपको बताऊं, इसी एक्ट में, इसी एक्ट के माध्यम से कहा गया कि भारत में उस समय दास प्रथा बहुत चल रही थी, दास समझते होंगे ना, दास दासियां, आज भी हम लोग देखते हैं जो राजा महाराजा होते हैं
उनके यहाँ बेटियों की वगैरह शादी होती है तो उनकी सहायता के लिए कुछ लोग साथ में भेज दिए जाते हैं, जो दास और क्या होते हैं, दासियां होती हैं। ये प्रथा इस समय पर बहुत थी, तो ब्रिटेन संसद ने ऐसा कहा कि भारत में कहीं ना कहीं दास प्रथा को क्या किया जाए, कंट्रोल, उसी को आधार बनाते हुए उस समय पर भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के द्वारा सबसे पहले अगर बात करें 1843 में दास प्रथा का क्या कर दिया, समापन। तो यहां से भी सवाल बन जाता है कि जो दास प्रथा थी, इस दास प्रथा उन्मूलन कब किया गया, तो आपसे सवाल डायरेक्ट पूछेगा दास प्रथा उन्मूलन 1843 में किसके द्वारा किया गया, आप कहेंगे लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। एक बात यह भी इस एक्ट की इंपोर्टेंट थी। अगला, भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत में विधि बनाने का क्या मिल गया, अधिकार। फिर हमने 53 की बात करी कि इसमें यह अंतिम रेगुलेटिंग एक्ट था। सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होने लग गया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पहला आईसीएस परीक्षा पास करने वाला भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। फिर हमने बात करी कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन, इसमें 12 सदस्य हुआ करते थे, 6 सदस्य जो थे वो गवर्नर जनरल सदस्य और 4 नियुक्त किए जाते थे। इधर में 6 देखे हमने, एक तो चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश जो हमारा बंगाल न्यायालय था या कलकत्ता उच्च न्यायालय, वहां से एक हमने बात करी कलकत्ता उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। इधर में हमने बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा से एक एक सदस्य, इस प्रकार से ये 12 सदस्य। अब यही केंद्रीय विधान परिषद आगे चल के अपना रूप बढ़ाती जाएगी, लेकिन इसके बाद की अगर बात करें तो भारत में एक परिवर्तन आएगा और उस परिवर्तन को बतौर हम जो देखते हैं वो देखते हैं 1857 का विद्रोह। पढ़ा होगा आप लोगों ने 1857 का जो विद्रोह है ये अपने भारत में होता है। तात्कालिक कारण की बात कर लो तो अनेक सारे इसके कारण थे, लेकिन अपन कॉमनली याद रखेंगे कुछ कारण ऐसे होंगे जो राजनीतिक होंगे, कुछ कारण ऐसे होंगे जो आर्थिक बने होंगे, कुछ कारण ऐसे होंगे जो सामाजिक बने होंगे, कुछ कारण ऐसे होंगे जो सांस्कृतिक भी होंगे, कुछ कारण ऐसे होंगे जो सैनिक होंगे, कुछ कारण ऐसे होंगे जो तात्कालिक होंगे। ये कारणों के बेस पर भारत में कहीं ना कहीं लोगों की असंतुष्टि बनी होगी। असंतुष्टि बनने के बाद इस सब ने मिलकर के एक बड़ा रूप लिया और उस रूप को ही हम कहते हैं 1857 1857 का रिवॉल्यूशन या 1857 का विद्रोह। यहां से भी राजनीति में परिवर्तन होगा, मैं आपको थोड़ी सी इसकी वैसे इतिहास में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी पिक्चर इसकी मैं आपको बना देता हूं माइंड में कि जो 1857 का रिवॉल्यूशन था या जो विद्रोह था, जब अपने भारत में ये हुआ उस समय पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पर यह भारत में हुआ था। दूसरी बात, हम लोग बात करें यहां पे कि इसका जो तात्कालिक कारण क्या रहा था, तो इसके तात्कालिक कारणों में दो चीज आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो तात्कालिक कारण थे वो कौन कौन से थे। एक तो कहा जाता है कि इसी समय 1854 में जो हमारे भारतीय सैनिक थे, इन सैनिकों के लिए मुक्त डाक व्यवस्था की शुरुआत थी, यानी कि उन्हें मुफ्त में डाक व्यवस्था, उस समय मोबाइल तो नहीं थे इसलिए पत्र का ही आदान प्रदान होता था, इस मुक्त डाक व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त। तो सैनिक भी थोड़े से क्या हो गए। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि एक नीति लाई गई थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, जिसे सामान्यतः कहा जाता है व्यपगत का सिद्धांत, यानी कि अपने भारत की अनेक सारी रियासतें जो थी उन्हें धीरे धीरे अब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना स्टार्ट कर दिया गया। यहां से दो सवाल बनते हैं, सबसे पहले किसे शामिल किया गया, आप कहेंगे सतारा 1848। इसी समय पर झांसी को भी शामिल किया गया था, क्योंकि झांसी की कहानी आपने पढ़ी होगी कि झांसी के जो राजा थे उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने दत्तक पुत्र ले लिया, गोद ले लिया, लेकिन गोद लिए पुत्र को ब्रिटिश जो साम्राज्य वो था साम्राज्य या ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे मान्यता नहीं दी, तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। ऐसी अवध जो था, अवध वो
प्रांत था उस समय पर जिसके सबसे ज्यादा सैनिक इस अंग्रेजी सेना में थे। तो इस अवध को भी कुप्रशासन के आधार पर मिला लिया गया। ये लोग भी इससे क्या हो गए, नाराज। एक तो ये कारण बन जाते हैं, एक ये कारण, और एक सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय पर जो सेना थी उस सेना में एक अफवाह उड़ गई थी, और वो अफवाह ये थी कि सेना के अंदर जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जा रहा था, कहा गया कि इस राइफल के अंदर सुअर और गाय की चर्बी के बने हुए कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा है। तो सैनिकों ने इन राइफल्स का प्रयोग करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। इस वजह से ये 1857 का क्रांति जो हुई थी उस कह सकते हैं इसके तात्कालिक कारण। बैक में देखेंगे तो बहुत सारे मैंने लिखे थे, अभी देखो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक, क्योंकि उस समय जनजातियां भी इनसे परेशान थी, बहुत सारे अपने वहां किसान आंदोलन चल रहे थे, राजनीतिक कारण भी थे। तो ये बहुत सारे कारण बनेंगे तब जाकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि इसका कोई परिणाम निकल के नहीं आया। और जब ये 1857 की क्रांति कंप्लीट होती है तो इसके बाद कोई निर्णय नहीं निकला। तो ध्यान रखना है कि जो ये क्रांति हुई वो पॉलिटिकल में अपने लिए क्या थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और अब सीधा हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश क्राउन था या जो ब्रिटिश क्राउन का सीधा भारत पर क्या हो गया, अधिकार। ये इसका परिणाम अपनी पॉलिटी में निकल के आता है। इसीलिए कहा जाता है कि अब इस ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो भी कानून या एक्ट पारित किए जाएंगे उन्हें हम लोग कहेंगे भारत शासन अधिनियम। उन्हें क्या कहेंगे, भारत शासन अधिनियम। और मैंने आपको बताया था कि भारत शासन जो अधिनियम थे उन अधिनियमों के अंदर जो शुरुआत होती है वो शुरुआत करेंगे हम लोग कहां से, तो कल क्या टॉपिक लिखेंगे हम लोग कि कल शुरुआत करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो ध्यान रखें जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही अगर आप याद करते चलेंगे तो आपको आगे चल के समस्या नहीं आएंगी। कोशिश करूंगा कि टॉपिक समाप्त होते ही आपका एक टेस्ट भी ले लिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से ही। कैसे होगा वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि वैसे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसके नीचे जाएंगे तो वहां टेलीग्राम वगैरह की साइट दे रखी होगी, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें तो वहां से आपको मटेरियल जो है वो मिलता रहेगा। और शायद आपको इसकी पीडीएफ भी स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिन बाद, है ना, तो सभी लोग। और सबसे लास्ट में, बीच में तो कह ध्यान ही रहता है क्योंकि पढ़ाते हैं तो नहीं ध्यान रहता है, अक्सर पढ़ाने में गुम रहते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि अगर कोई नया छात्र है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अगर क्लास देख ली है और ये नहीं किया है तो वो भी कर दो लाइक। और सबसे बड़ी बात है चाहे वो आप कुछ भी समझो गुरु दक्षिणा या जो भी है, क्लास को शेयर करें, जितनी जल्दी से जल्दी आप इसे फैलाएंगे लोगों को उतना ही फायदा मिलेगा। अपनी इतनी सारी टीम है ना, ये सब काम कर रही है, कोई भी सजेशन है देखो यहां कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, अनेक सारे सोशल मीडिया के माध्यम है, आपकी कोई भी समस्या है समस्या को आप भेजें, अगली क्लास में उस समस्या का लाइव सॉल्यूशन मिलेगा। ये ध्यान रखना है किसी भी सब्जेक्ट की हो आप भेजेंगे, क्योंकि बस ये चीज टीचर को क्या चाहिए, एक मोटिवेशन, और ऑनलाइन में सबसे बड़ा मोटिवेशन टीचर का यही होता है सब्सक्राइब लाइक और शेयर। ऑफलाइन में क्या होता है आपको पता है, ऑफलाइन में होता है तालियां बज जाएं, है ना। अब यहां तालियां तो नहीं बज सकती हैं, यहां पे क्या कर सकते हैं आप, तालियों की जगह पे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ना। तो ये सारी चीजें, तो इनका ध्यान रखेंगे, सारी क्लासों को रिपीटेड करेंगे और कंटिन्यू पूरी क्लास देखेंगे, कोई बात समझ में नहीं आ रही उसे पूछेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।